कांग्रेस पार्टी का दावा कि वो 1000 बसें देकर मदद करना चाहती है, लेकिन उनमें से कई गाड़ियां तो ऑटो एम्बुलेंस कार निकल गई। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा था। उनका कहना था कि 1000 बसों की जो लिस्ट सौंपी थी, पुलिस ने उनमें से 492 बसों के कागजात चेक किए। इनमें से 31 तो ऑटो निकले, 59 तो स्कूल बसें निकली, एक नंबर ट्रक का निकला, एक प्राइवेट कार का, 59 बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, 70 गाड़ियों का कोई भी डेटा ही मौजूद नहीं था। तो आपने देख लिया, ये थी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जिसमें 1000 बसों का जिक्र था, कुछ ट्रक थे, कुछ ऑटो, कुछ बसें। बहरहाल, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर, अब उसका अंत हो गया है। धरने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटा दिया है। जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। अजय सिंह लल्लू, जो कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्हें हिरासत में लिया गया है। देवंकुर हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवंकुर, इस वक्त क्या परिस्थिति? अंजना, यहाँ पर बसें करीबन 400 के संख्या में अभी भी खड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं आपको किस तरह से एक लंबी कतार है बसों की जो यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है, और जो ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि सुबह 10 बजे के यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, पर इस बारे में कोई भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से कब ये जाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश में इनको आगरा प्रशासन आज्ञा देगा, अनुमति देगा जाने की या नहीं। हमारे साथ कुछ ड्राइवर भी हैं और इनमें से एक से बात करूंगा मैं। राजेंद्र जी, आप यहाँ पर सुबह कब से आए हुए हैं और आपको क्या बताया गया है? 9 बजे के आए हैं, वह खड़े हुए हैं और अभी जाने कोई परमिशन नहीं, पहले कागज मांगे, सारे कार्य कागज का। प्रशासन का कहना है कि NOC नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो बसें हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा, क्या आपके पास ये सब है? नहीं, सारे कागजात कम्प्लीट है, RC, DL, देवंकुर इंश्योरेंस। आपका क्या नाम है, आपकी कौन सी बस? देवंकुर, आप उन लोगों से बात कीजिएगा। एक सवाल है जो उठ रहा है बार बार, और चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं आप ही बता सकते हैं, लगभग कितनी बसें वहां पर मौजूद है? क्या 1000 बसें वाकई इस वक्त खड़ी है वहां पर जैसा कांग्रेस का दावा है? अंजना, यहाँ पर सुबह से बसें अलग अलग संख्या में पहुंच रही थी, हम जब से देखते आ रहे हैं, पहले यहाँ पर लगभग 125 बसें थी, उसके बाद 125 के करीब बसें हुई, और अब जो आंकड़ा है वो लगभग 300 बसों का मैं बता सकता हूँ, 300 से 350 बसें यहाँ पर हैं। बिल्कुल भी जो संख्या है बसों की वो 1000 तो नहीं दिखती है, पर जो कांग्रेस के यहाँ पे नेता आए हुए थे यूपी से, अजय कुमार लल्लू, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें कहा अंजना ऑन रिकॉर्ड कि उन्हें 1000 बसों का टारगेट दिया गया था। उनका कहना था कि जो यूपी का प्रशासन है, वहां की सरकार है, वो बसों को अंदर नहीं आने दे रही, इसीलिए यहाँ पर सारी बसें अभी बुलाई नहीं जा रही, पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1000 बसों का टारगेट है। साफ तौर पर वो बोल नहीं रहे थे कि कितनी बसें यहाँ पर आई हैं, पर हमने गिनी है यहाँ पर 350 से लगभग 400 से ज्यादा बसें नहीं है। ठीक है, नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।